हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स देखिए, अगर आप फिनलैंड में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको फिनलैंड जाना है, तो आपको इस साइट पे आना है। आप देख सकते हैं interfinland.fi, ऑफिशियल फिनलैंड गवर्नमेंट की वर्क परमिट की साइट है। इस पे आइए, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये साइट लेके जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर आ गए आप। ठीक है, अब देखिए आप इस पे देखिए इन्होंने क्या क्या लिखा है। बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं ध्यान से आपको सब बता रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ पे जो इमिग्रेशन का सर्वे भी कर सकते हैं, 23 अप्रैल तक सर्वे कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, ये देखिए फिनिश इमिग्रेशन सर्विस, मतलब फिनलैंड की इमिग्रेशन सर्विस का कोई भी फीडबैक है, इस लिंक, ये जो लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके फीडबैक दे सकते हैं कि आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। मतलब ये ऑफिशियल है, ऐसा फीडबैक हमेशा गवर्नमेंट की साइट ही मांगती है, तो आपको फीडबैक पक्का देना चाहिए। देखिए, मैं फीडबैक की लिंक पे क्लिक नहीं करूँगा, मुझे वीडियो लंबा नहीं करना है, मैं आप लोगों को सिर्फ मेन मेन बात बताऊँ। देखिए, वर्किंग इन फिनलैंड, अगर आपको काम करना है, ये देखिए आपको वीज़ा चाहिए होगा। अगर आप 90 डेज़ से कम या ज़्यादा आ रहे हैं, आपको वीज़ा चाहिए। हम आते हैं, ये देखिए वेबसाइट ऑफ द फिनिश इमिग्रेशन सर्विस, मतलब फिनलैंड की, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए, ये आपको लेके जाएगा फिनलैंड की साइट पे। अब ये देखिए, ये ऑफिशियल साइट है फिनलैंड की इमिग्रेशन सर्विस, जो आपको वीज़ा देती है, वर्क परमिट देती है। ठीक है, इस पर आप आ गए। देखिए, अब इस पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको कैसे वीज़ा मिलेगा। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स कौन है जो आपको वहाँ पे एम्प्लॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सब लिखा हुआ है। देखिए, आप कैसे आ सकते हैं, मैं फ्रेंड्स आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको कैसे आना है, कैसे आप फैमिली मेम्बर्स को लेके आ सकते हैं। मैं इस फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑफिशियल साइट से ही करिए सब कुछ। ऑफिशियल साइट पर सारी चीज़ें अपडेटेड होती हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको लेके आता हूँ एम्प्लॉयर पर, क्योंकि मैंने इस पर शॉर्ट वीज़ा भी बनाया है। देखिए, अब ये देखिए, सर्टिफाइड एम्प्लॉयर, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ डी वीज़ा इफ़ यू विल बी वर्किंग फॉर अ सर्टिफाइड एम्प्लॉयर। अब देखिए कौन कौन से सर्टिफाइड एम्प्लॉयर, मैं आपको दिखाता हूँ। केवल 4 हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये देखिए, केवल 4 लोग हैं। ये देखिए, ये 4 लोग ही हैं बस, मतलब यही आपको सर्टिफाई कर सकते हैं, ये 4 जो है, और कोई नहीं कर सकता। तो कोई अगर और आपको बोलता है तो वो गलत है, आपका वीज़ा कभी नहीं लगेगा। अभी आप देखिए, यहाँ पे इन लोगों का जो एक्सपायरी है सर्टिफिकेट, 2025 सबका एक्सपायर, अभी 2023 में इशू हुआ है। देखिए, 13 अप्रैल को भी बिग्रो ऐप का इशू है, तो 4 ही हैं बस एम्प्लॉयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम वापस आते हैं। अगर आपको जॉब लेनी है तो कैसे लेनी है आपको, ठीक है। ये देखिए, डी वीज़ा आपको चाहिए होता है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैसे सबमिटिंग द एप्लीकेशन। हम पहले जाएंगे, देखिए, अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस परमिट सबमिटिंग एन एप्लीकेशन दैट सूट्स योर सिचुएशन। अब सूट योर सिचुएशन मतलब, अगर आपको वहाँ से एम्प्लॉयर, जो 4 एम्प्लॉयर, उनमें से कोई अगर आपको भेजता है वहाँ से एम्प्लॉयमेंट, तो आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। एप्लीकेशन भरने के बाद आपको क्या करना है, फिनिश मिशन जो है दिल्ली में आपको जाना है। दिल्ली में जाके आपको VFS के थ्रू अपना फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन में, प्रोसेसिंग टाइम ऑफ लेके डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड, मतलब आपने जिस ग्राउंड पे अप्लाई किया है, मतलब आपने कौन से एम्प्लॉयर के लिए किया है, आपके एम्प्लॉयर में कितना दम है, वो भी मैटर करता है। आपका एम्प्लॉयर कैसे लेटर लिख के एम्बेसी को कन्विंस करता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है बहुत। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए, सप्लीमेंटिंग और कैंसिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, मतलब अगर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाना है तो आप कैसे, बाई पोस्ट और बाई ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, डिसीजन एंड नोटिफिकेशन, ठीक है। देखिए, अब ये यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने ये आपको ई सर्विस, मतलब मेल से आपको नोटिफाई कर देंगे। कैसे आता है, कुछ कुछ डिसीजन जो है पोस्ट से भी आते हैं, ठीक है। और योर एम्प्लॉयर विल ऑल्सो भी इन्फॉर्म, मतलब जिसने आपको एम्प्लॉय किया है, अगर वो भी आपको, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और वो आपको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, इफ़ यू गेट अ पॉजिटिव डिसीजन यू विल गेट अ रेजिडेंस परमिट कार्ड। अगर आपको डिसीजन मिलता है, रेजिडेंस परमिट कार्ड आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको अपील करना है, अपील के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो फ्रेंड्स नेगेटिव कभी सोचना ही चाहिए, तो नेगेटिव कभी होगा नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है, अगर आपको फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब आप पूछेंगे कि एप्लीकेशन कैसे भरना है। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन भरने के लिए आप मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल वीज़ा होता है, जैसे शेंजन वीज़ा होता है वैसा ही होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आप बस ये मेन चीज़ें ध्यान रखिए, मैंने जो आपको एम्प्लॉयर का नाम बताया, 4 एम्प्लॉयर, उसी को चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मेरा शॉर्ट्स वीडियो उसको भी रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी आपको धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है, तो उन 4 एम्प्लॉयर बोल सकते हैं कि फिनलैंड के तो केवल 4 एम्प्लॉयर हैं, ये एम्प्लॉयर कहाँ से है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये ऑफिशियल साइट है migri.fi, याद रखिएगा। देखिए, रेजिडेंस परमिट लिखा हुआ है इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट है मुझे कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको एप्लीकेशन भरने में दिक्कत आ रही है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।